सो ही देयर पोकेमोन मास्टर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पोकेमोन ब्लैक सीरीज। तो यूनोवा रीजन के सभी जिम लीडर्स और ट्रेनर्स को हराने के बाद फाइनली वी आर हियर इन द पोकेमोन लीग एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू फेस द एलीट फोर, जिसे लेकर मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर जैसा मैं बहुत सारे एपिसोड से कह रहा था दैट आई नीडेड सम सीरियस ट्रेनिंग, तो आखिरकार मैंने लास्ट एपिसोड के बाद जाकर थोड़ी सी ऑफ स्क्रीन ट्रेनिंग की है, जिसके बाद हमारे पोकेमोन्स आर काइंड ऑफ रेडी टू फेस द एलीट फोर। पर फिर भी मैं थोड़ा सा एक्साइटेड और थोड़ा सा नर्वस हूँ, बिकॉज इट्स एलीट फोर एंड इट्स रियली हार्ड। सो चलो चलते हैं एलीट फोर को चैलेंज करने के लिए एंड विल सी कि क्या हम इन्हें हरा भी पाते हैं या फिर नहीं। वेल, जैसे इन एलीट मेंबर्स को मैं वन बाय वन डिफीट करूंगा, मैं इन वीडियोस को भी वन वन पार्ट में ही अपलोड करूंगा, बिकॉज एक बैटल के बाद डायरेक्टली दूसरी बैटल करना थोड़ा सा टफ होता है एंड अगर वन बाय वन करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी फन एंड ईजी। ओके, तो ये वार्निंग वगैरह चल रही है। डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड? यस, आई एम गोइंग टू गो इन। एंड जो चीज मुझे जनरेशन 5 के एलीट 4 को लेकर काफी ज्यादा पसंद है वो ये है कि हम इन एलीट 4 मेंबर्स को किसी भी ऑर्डर में चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो मैं फर्स्ट रूम में जा सकता हूँ, थर्ड रूम में जा सकता हूँ या फिर इवन फोर्थ रूम में जा सकता हूँ। सो इट्स रियली फन एंड मैं ये सोच रहा था कि हमें इन्हें किस ऑर्डर में डिफीट करना चाहिए। सो आई वॉज थिंकिंग कि हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज इट्स द राइट वे एंड ऐसे में इट्स गोइंग टू बी फन। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कि कौन से रूम में कौन सा एलीट फोर मेंबर है। सो विल सी कि क्या होता है एंड होपफुली मेरा ये आइडिया काम कर जाए। आई एम रियली एक्साइटेड एंड काइंड ऑफ नर्वस, जैसा मैंने पहले बताया। विल सी एंड भाई साहब, ये पूरा एक फाइटिंग डोजो की तरह लग रहा है। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी द फाइटिंग एलीट फोर मेंबर। यस यस फॉर श्योर। और ये किसी भाई, ये UFC के अखाड़े की तरह लग रहा है लिटरली। लाइटिंग एंड ऑल भाई, सब कुछ है यहाँ पर। सो इट्स द फाइटिंग टाइप एलीट फोर मेंबर। सो मैं फ्रूटी को सबसे आगे रखूंगा, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी द मोस्ट यूजफुल मेंबर, क्योंकि फाइटिंग टाइप वीक होते हैं फ्लाइंग और साइकिक टाइप से। एंड बाय द वे, शायद मैंने ट्रेनिंग के बाद आपको ये टीम नहीं दिखाई थी, सो लेट्स टेक अ क्विक टीम रिकैप। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रूटी के साथ, जो कि लेवल 46 पर है। पहले इसके पास है XP शेयर, बिकॉज इसे एक्सपीरियंस की थोड़ी जरूरत थी एंड अभी मेरे पास कोई ऐसा आइटम नहीं है जो कि इसकी पावर को बूस्ट करे, सो लेट इट बी। देन वी हैव शेली, जो कि लेवल 44 पर है एंड इसके पास भी एक्सपीरियंस शेयर है, बिकॉज डेफिनेटली इसे थोड़े लेवल्स की ज़रूरत है, बट इट्स क्वाइट गुड। देन वी हैव मिस बोर, जो कि लेवल 48 पर है और इसके पास है लकी एग। वेल, इसके कुछ मूव्स को भी मैंने चेंज किया है, जैसे कि मैंने इसमें हैमर आर्म को ऐड किया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फाइटिंग टाइप मूव है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देन वी हैव जैप, जिसे मैंने लास्ट एपिसोड में ऑप्टेन किया गया थंडरबोल्ट सिखा दिया है एंड ये लेवल 46 पर है, जिसके पास है मैग्नेट, जो कि इसके इलेक्ट्रिक पावर्स को और इनहेंस करेगा। देन वी हैव द बॉय क्रूक, जिसके पास है ब्लैक ग्लासेस और इसे मैंने ड्रैगन टेल और फाउल प्ले सिखाया है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड देन लास्टली वी हैव ग्रासी, जो कि लेवल 46 पर है और इसके पास है मेरिकल सीड एंड इसके मूव्स को मैंने चेंज नहीं किया है, बिकॉज ग्रासी ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। सो या ये है हमारी टीम, जिससे हम डिफीट करेंगे एलीट फोर मेंबर्स को एंड आई एम काइंड ऑफ नर्वस टू सी कि आखिर हम कैसा परफॉर्म करते हैं, बट लेट्स जस्ट गो एंड टॉक टू दिस डूड। ग्रीटिंग चैलेंजर, माई नेम इज मार्शल। इन ऑर्डर टू मास्टर द आर्ट ऑफ फाइटिंग, आई एम ट्रेनिंग अंडर माई मेंटर एल्डर। माई मेंटर सीज योर पोटेंशियल एज अ ट्रेनर एंड इज टेकिंग एन इंटरेस्ट इन यू। इट इज माई इंटेंशन टू टेस्ट यू, टू टेक यू टू द लिमिट ऑफ योर स्ट्रेंथ। किया एंड हियर वी गो, फाइनली वी आर फेसिंग द एली फोर मेंबर मार्शल एंड भाई, The animations are looking really cool. So yeah, we'll see कि आखिर ये कौन से Pokemon के start करता है and oh, it's a throw. Let's go. And hopefully हम इसे defeat कर पाए। मैं definitely कोशिश करूँगा कि मैं इसे easily defeat करूँ Fruity की मदद से, because Fruity बहुत ज़्यादा effective रहेगा इनके against, because fighting types are super weak against flying and psychic types and भाई the stone age is going to hurt a lot. Yes, definitely. It was really bad. अब क्या ही करे, I am not sure. I think I should go for another psychic. And भाई इसने restore कर दिया. Okay, that is bad. Hopefully ये इसे down कर दे. I'm not sure. Okay, that was good. I think एक और psychic and he's going to go down, because हम इसे outspeed कर ही रहे हैं. So it will be fun. एंड नाइस सुपर इफेक्टिव मूव। अब मुझे इसे हील करने की काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज अगर मैं इसे आगे के मेंबर्स के अगेंस्ट यूज़ करना चाहता हूँ तो इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। ओके, सॉक, तो लगता है कि मुझे एक टैंक की ज़रूरत है यहाँ पर एंड
विल डेफिनेटली नीड मिस बोर, सो मिस बोर को स्विच इन करके मैं फ्रूटी को हील करूँगा एंड देन आई ब्रिंग इट बैक विच विल बी गुड। सो लेट सी सॉक, ओके भाई इट इज़ लुकिंग कूल, सो जल्दी से इसे हील अप कर लेते हैं एंड वेयर इज़ द फुल रिस्टोर। ओके हाइपर पोशन से ही काम चल जाएगा वैसे, सो लेट्स जस्ट डू दैट एंड डेफिनेटली मिस बोर एक शॉट को तो ले ही सकता है शॉक के। ओके अ कराटे चॉप, दैट वॉज नॉट बैड। अब मैं जैसे ही स्विच करूँगा होपफुली ये किसी अजीब से मूव का इस्तेमाल ना करे जिससे फ्रूटी वन शॉट हो जाए, बिकॉज दैट विल बी रियली रियली बैड। सो लेट्स सी होपफुली ये एक और कराट, भाई क्यू ये फुल्ली अटैकिंग पोकेमॉन है और उसके भाई एक 7 एचपी पे बचाए वो एंड डेफिनेटली ही इज गोइंग टू गो फॉर अनादर स्टोन एज। होपफुली अब हम इसे डिफीट कर पाए, भाई प्लीज़ भाई मत जाना भाई, कराटे कुछ यूज़ कर लिया। हाँ बच गए भाई, दैट वॉज कूल एंड स्केरी एज वेल। सो चलो चलते हैं एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर अनादर साइकिक, होपफुली ये इसे थोड़ा सा डैमेज करे एंड ओ वन शॉट भाई एंड द स्टोन एज डूड, प्लीज डोंट गो डाउन, इट वॉज अ क्रिटिकल हिट। ओके वी डेफिनेटली नीड टू ब्रिंग हिम बैक, तो मिस बोर पे स्विच करते हैं। आई थिंक मुझे उसे सच में वापस लाने की ज़रूरत है, आई नीड टू रिवाइव हिम, बट भाई वन शॉट कर दिया यार उसने डायरेक्टली क्रिटिकल हिट, हमें नहीं मिलेंगे ऐसे क्रिटिकल हिट्स। ओके वी वॉन्ट ग्रेट दिस काइंड ऑफ लक। ओके तो उसने फुल रिस्टोर का इस्तेमाल कर दिया है एंड हमने भी उसे रिवाइव कर दिया है, सो लेट्स सी लेट्स गो फॉर अ हैमर आर्म एंड ओके अनादर स्टोन एज। अगर मैं यहाँ पर स्विच करता तो और ज़्यादा बुरा होता, भाई ये क्या चल रहा है, हमारा कोई लक साथ नहीं दे रहा है आज। ओके आई एम काइंड ऑफ नर्वस राइट नाउ, आई एम स्वेटिंग डूड, लेट्स सी लेट्स गो इन फॉर फ्रूटी अगेन, होपफुली ये इसे वन शॉट ना करे। भाई साहब फिर से वही मूव, बैड सुपर बैड। ओके इट्स ऑल अब तो पूरे लक की बात है, आई थिंक लेट्स जस्ट गो फॉर अ साइकिक, इसे हमें सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और अगर लकीली उसने स्टोनेज को भाई वन पॉइंट पे बचाए वो रिटेलिएट, भाई क्यों ही रिटेलिएट, भाई क्या मजाक उड़ा रहे हैं भाई, रिटेलिएट भाई वन एचपी पे बचाए वो, मजाक चल रहा है यहाँ पर। ओके लेट्स जस्ट स्विच टू जैप एंड इसके वोल्ट स्विच से हमें काफ़ी हेल्प हो सकती है, सो आई एम जस्ट गोन क्रंच दिस अप फर्स्टली एंड भाई क्यों इन्हें कंटिन्यू क्रिटिकल हिट्स मिल रहे हैं एंड वी आर जस्ट आउट ऑफ लक, मतलब क्या ही चल रहा है। सो ओके विद दैट वी फाइनली पुट इट डाउन, उसे हरा दिया है। शली लेवल 45 एक्वाटेल, दैट्स गुड, वी आर गोइंग टू नीड एक्वाटेल, ब्राइन को हटा देते हैं जल्दी से एंड लेट्स सी कि आखिर नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है। द नेक्स्ट पोकेमॉन इज अ भाई कॉन्केल्डर, ओके नो आई एम नॉट गोइंग टू स्विच, मैं रिवाइव ज़रूर करूँगा फ्रूटी को अगेन बिकॉज कॉन्केल्डर के अगेंस्ट कोई दूसरा पोकेमॉन काम नहीं आएगा, सो आई एम जस्ट गोन रिवाइव हिम बैक एंड लगता है कि हमें जैप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यहाँ पर। होपफुली जैप सर्वाइव कर पाए बट आई डोंट थिंक, नो डेफिनेटली नॉट, यू डिड गुड जैप, यू डिड रियली गुड, बट नाउ आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू फेस हिम डायरेक्टली विद फ्रूटी। भाई फर्स्टली देखो लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही है उनकी, 48 एंड वी आर एट 46, दैट इज़ सो बैड, बट वी आर डूइंग क्वाइट वेल एंड भाई वन शॉट हो जाता तो क्या ही बिगड़ता था यार, क्या ही अनदर स्टोन एज, कुछ तो प्रॉब्लम है इनको एंड क्या ही कहूँ। लेट्स स्विच टू ग्रासी,
भाई वन शॉट कर रहे हैं भाई, वो लिटरली वन शॉट कर रहा है। लेट्स गो फॉर अ एक्स सीजर। अब तो डाउन तो हो जा भाई। हाँ फाइनली इट इज़ डाउन एंड पर वन शॉट भाई, लिटरली वन शॉट कर दिया उसने। ओके मिन शाओ, ओके लेट्स सी मिन शाओ। आई एम नॉट गोइंग टू स्विच। लेट्स होप कि ग्रासी से डिफीट कर पाए भाई। लेवल 50। मैंने सच में काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया था एलिट फोर को। एंड रॉक स्लाइड, इट्स गोइंग टू बी बैड। डेफिनेटली ये लीफ ब्लेड से कुछ ज़्यादा तो होने वाला है नहीं, बट जो भी है ठीक है। ओके वेल दिस मे बी द लास्ट। ओके मेरे को पढ़ने भी नहीं दिया वो, ठीक है। ओके हाई जंप केक, और भाई इसने आउटस्पीड कैसे किया। ग्रासी इज डाउन, नाउ वी आर इन अ टफ सिचुएशन। लगता है कि अब हमें द बिग बॉय को बाहर लाना ही पड़ेगा, यानी कि क्रूप को। होपफुली ये हील ना करे। लेट्स जस्ट होप कि ये हील ना करे। अब ये मिनशाओ डेफिनेटली हमें आउटस्पीड तो करेगा ही, बट आई थिंक आई एम गोना गो इन फॉर अ क्रंच, जिससे ये शायद डाउन हो जाए। नो वी डिड एक्चुअली आउटस्पीड हिम, बट वन एच पी पे बचा है वो। भाई क्या चल क्या रहा है, 1 HP पे बचा है वो, एंड उसने एक शॉट में क्रूप को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया भाई। लिटरली भाई ये कुछ अलग ही लेवल पर है भाई, इनकी कुछ ज़्यादा ही ट्रेनिंग करवाई है भाई मार्शल ने। बट विद दैट आई गेस वी फाइनली फिनिश्ड अप मार्शल्स ऑल द पोकेमॉन्स। यस ये कुछ ज़्यादा ही क्रेजी राइड नहीं हो गई, सच में कुछ ज़्यादा ही क्रेजी। बट वी डिफीटेड हिम और हमें मिले हैं 6,000 पोके डॉलर्स। दैट इज़ गुड। फ्यू वेल डन। एज योर बैटल कंटिन्यूज एम फॉर इवन ग्रेटर हाइट्स। ओके सो विद दैट फाइनली वी डिफीटेड द एलिट फोर मेंबर मार्शल एंड इट वॉज रियली टफ। सो या नेक्स्ट एपिसोड में हम चैलेंज करेंगे नेक्स्ट एलिट फोर मेंबर को, विच आई डोंट नो कि कौन सा है। सो या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और बस मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।